भी चाहते हैं मेन हिरम रोड पर अपना जमीन, तो फिर देर किस बात की और सोच क्यों रहे हैं? फटाफट आए आदर्श नगर और अपनी मनपसंद प्लांट को बुक करवाएं। हमारा लोकेशन है कतरास बागमारा हीरक रोड स्थित झगराही एवं बहरा खुदर के बीच, तथा हमारा संपर्क नंबर है 9304516104। धनबाद शहर में आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपोलो अस्पताल का उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्था लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। श्री गुप्ता ने कहा कि नई सरकार को संभालने का मौका नहीं मिला कोरोना काल में। युवा सरकार ने नई सोच के साथ काम करने की मंशा की थी। झारखंड में पूर्व की सरकार ने खजाना खाली कर दिया था, जो आर्थिक बोझ के कारण सरकार को अपनी काम करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऊपर से केंद्र की सरकार ने जानबूझकर मानव हित के पैसों को हमारी सरकार के बिना सहमति लिए RBI अकाउंट से पैसे निकाल लिए। कोरोना काल में हमारे मंत्री हाजी हुसैन भी बलिदान हुए। विधानसभा अध्यक्ष श्री कोरोना संक्रमित है। धनबाद के PMCH के सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य लागू करवाने के लिए कृत संकल्पित है। संभलने का भी अवसर नहीं मिला था। नई सरकार का गठन हुआ, नए विजन के साथ, नई सोच के साथ, एक युवा जोश और आदरणीय सोनिया गांधी जी का सानिध्य, डॉक्टर रामेश्वर उरांव का होश, आलमगीर साहब का होश, एक बहुत बेहतरीन समीकरण के साथ काफ़ी आशा उत्साह और उमंग लेकर नई सरकार का गठन हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक जो है विश्वव्यापी कोविड आएगा, और जब अचानक विश्वव्यापी कोविड की समस्या आ गई तो हम लोगों को संभलने का भी अवसर नहीं मिला, और पूरी सरकारी व्यवस्था को हम लोगों ने इसको चुनौती मानकर झोंक दिया। और आपने देखा कि जिस झारखंड में पूर्ववर्ती सरकार ने हम लोगों को खजाना खाली छोड़ दिया, हमारा खजाना खाली, हमको उल्टे जो है एक बोझ दे दिया, आर्थिक बोझ, जिस आर्थिक बोझ में आज भी हमारा पैसा जो है, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट में इस तरीके का एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता कभी देखने को नहीं मिली। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ये देखा कि केंद्र की सरकार वैमनस्यता की सारी पराकाष्ठा पार कर, और जो जनहित के पैसे हैं, जो राजहित के पैसे हैं, जो हमारी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में मानव हित के लिए जो पैसे लगने हैं, उस पैसे को बिना हमारी सहमति के, बिना हमारी मर्जी के सीधे हमारा जो है हमारा बैंक अकाउंट से, RBI के बैंक अकाउंट से निकाल लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विपरीत चुनौती के बावजूद भी ये सरकार पूरी दृढ़ता और निर्भीकता के साथ अपने प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर के साथ आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। मैं PMCH भी अचानक पहुंचा, वहां पर भी मैंने देखने का काम किया, कई एक जगह और भी बहुत तेज गति में, इवन हमको कोरोना भी हो गया। हमारे एक मंत्री जो है हाजी हुसैन अंसारी साहब जो है बलिदान हो गए, हमारे एक मंत्री जगन्नाथ बाबू आज भी गहन चिकित्सा में है, विधानसभा अध्यक्ष भी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे सोच पर आप अविश्वास नहीं करिए, नहीं मेरी बात, हमारी जो हमारा PMCH का मामला, जो हमारा सुपर स्पेशलिस्ट जो कैथ लैब है, उसमें हम न्यूरो का करने के लिए सोचते हैं,
नेफ्रोलॉजी के लिए सोचते हैं, उसके लिए जो हमको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। जो हमारी ANM और GNM बहन है या पैरामेडिकल स्टाफ जो है हमारा, या पैरामेडिकल के लोगों को जो हमको और प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, तो हम वो सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि हम उदासीन हैं या हमने सोच छोड़ दिया या हमारा ध्यान नहीं है। मतलब प्रयास में है सरकार और हालत सुधरेगी, लेकिन प्रयास निरंतर प्रयास में है और करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो सुजान रसरी आवे जात का सिलकर परत निशान। हमारा प्रयास और हमारा अभ्यास आपको एक न एक दिन इस रंगत के साथ दिखने को। डॉक्टर और कर्मचारियों की बहाली हो रही है। मंत्री जी, हम लोग यहाँ नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं और स्थिति यह है कि PMCS को चलाना मुश्किल हो रहा है। सीनियर फैकल्टी के 30% पद लगभग रिक्त हो चुके हैं। जूनियर फैकल्टी की भी यही स्थिति है। आपके राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज को एडमिशन का परमिशन नहीं मिला और फिर हम लोग बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की। कैसे होगा आपके सवाल के हम बिंदुवार जवाब। नरेंद्र, आपको बहुत टाइट हो रहा है। देखिए, 3 हमारे कॉलेज की मान्यता को निरस्त करना मैं समझता हूँ कि कभी भी ये संघीय जो फेडरल गवर्नमेंट है इसको शोभा नहीं देती। क्या आज यदि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार होती है तो क्या हमारे साथ इस तरह का जो है व्यवहार केंद्र सरकार करती? हमसे उनका व्यक्तिगत मतांतर हो सकता है, लेकिन यहाँ के बच्चों के साथ क्या उनका मतांतर है? यहाँ के 450 बच्चे, एक तरफ MCI कहता है कि हमारे पास डॉक्टर की कमी है, हमारे पास सारी व्यवस्थाओं की कमी है, तो आखिर डॉक्टर कहाँ से आएंगे? क्या छोटे छोटे चीज़ों के लिए क्या हमको इस तरीके से हमारा जो है एक साल बर्बाद किया जा सकता है? हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से निवेदन किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पत्राचार किया, लेकिन ये उदासीनता का आलम है कि कोई उस पर कोई ये नहीं हुआ। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो है 30% लोग जो हैं उसमें उसकी कमी है, जिसके कारण हमको मालूम है कि हमारे कॉलेज का 50% जो है सीट 50 जो है सीट 100 नहीं हो पाई, कम हो गया जी, जी। ये सरकार ओवरनाइट तो नहीं ठीक कर सकती, लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं, हमारी सोच बहुत प्रोग्रेसिव है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विजन क्लियर है और हम विपरीत परिस्थिति में भी जानते हैं कि हमको बहुत चुनौतियां हैं, फिर भी हमको ये मालूम है रात कितनी भी अंधकार होगी सुबह का सूरज जरूर उगेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम पूर्ववर्ती सरकार की तरह हम उस मानसिकता के नहीं हैं कि हाथी उड़ाकर मोमेंट झारखंड बनाने का। हमारी मानसिकता बहुत क्लियर है कि हम अपने पत्रकार भाइयों के साथ मिलकर चलेंगे और हमारी कमी खामी यदि होगी तो उस कमी खामी को पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो भी आएंगे हम उस कमी खामी को दूर करने का प्रयास करेंगे।